इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के पालघर में जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में एक आरपीएफ कांस्टेबल ने अपने सीनियर एएसआई पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी है। इस घटना में एएसआई और 3 यात्रियों की गोली लगने से मौत हो गई है। चेतन नाम के कांस्टेबल ने फायरिंग की है, जिसे मीरा रोड से पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आरपीएफ जवान द्वारा फायरिंग करने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सकी है और मामले की जांच भी की जा रही है। घटना सोमवार सुबह तड़के 5 बजे के आसपास में ये घटी है। ट्रेन के B5 कोच में यह फायरिंग हुई है। फायरिंग में 4 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई है। हालांकि फायरिंग होने की वजह का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन बताया जा रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल और उसके सीनियर एएसआई के बीच में किसी बात को लेकर तनातनी और कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद कांस्टेबल ने गुस्से में आग बबूला होकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। फायरिंग पालघर और मुंबई के बीच दहिसर इलाके में ट्रेन में हुई है। आरपीएफ कांस्टेबल चेतन को मानसिक तनाव में है बताया जा रहा है, इसी जानकारी आ रही है। मुंबई में DRM नीरज वर्मा ने बताया है कि सुबह करीब 5 से 6 बजे के करीब हमें सूचना मिली कि आरपीएफ जवान ने फायरिंग की है, जिसे 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है। आरपीएफ कांस्टेबल स्कॉर्ट ड्यूटी पर तैनात था। रेलवे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और घटना की आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं मृतकों के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया जा रहा है। अभी हमें सुबह 6 बजे पता चला है कि हमारे एक आरपीएफ के कांस्टेबल जो इस ट्रेन की एस्कॉर्टिंग ड्यूटी में थे, उनकी तरफ से गोलियां चली हैं। जो हमें अभी खबर आई है उसमें 4 लोगों की इंजरी की खबर आई है। पीपल हु हैव बीन शॉट, वन ऑफ देम इज एन आरपीएफ एएसआई और बाकी 3 और लोग हैं। इन लोगों का मेडिकल अटेंशन जो है अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल में बोरीवली में जैसे ही ट्रेन पहुंची है उन लोगों को लेकर जाया गया है। वहां पे हमारे रेलवे के अधिकारी भी तुरंत स्पॉट पे पहुंच गए थे और वो अवेलेबल हैं और वो साथ में गए हैं और उन लोगों को जो भी मेडिकल और पुलिस सहायता एक्सटेंड किया जा सकता है वो किया जा रहा है। उनके परिवार जनों को भी कॉन्टैक्ट किया जा रहा है और उनसे उनको जो एक्सपेंडिचर का अमाउंट है वो भी पहुंचाया।